वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं मोमो, बहुत क्विक और इजी रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। ये मोमो को मैंने ओवरनाइट भिगा के रखी थी और इसको अभी मैंने अच्छे पानी से धो लियो दो बार। यहाँ कुकर रख दूँ मैंने। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, के साथ डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा। जीरे को जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। जीरा हो गया मेरा। अब इसी के साथ डालूंगी मैं अनियन। इसमें ये साइज का अनियन लियू 1.5। कांदा देख सकते हो आप, इसे और अच्छे से नरम करेंगे। इसे खाली लाइट पिंक करना है, एकदम सॉफ्ट करना है हमें कांदे को। अब इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर डाल देंगे नमक, ताकि हमारी जो अनियन है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर नमक, मिक्स कर देंगे। नमक डालने से ना क्या होता है कि हमारे जो कांदा है वो जल्दी से अपना कलर ले लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और नमक डालने से ना हमारे कांदे हैं ना बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और अगर बिरयानी के लिए आपको ब्रिस्ता बनाना है तो इसमें नमक डालेंगे तो आपके जो अनियन है, ब्रिस्ता है जो, वो एकदम क्रंच रहेगा, सॉफ्ट नहीं होएगा। देख रहे हो आप कितनी जल्दी से अपना कलर ले लिया है। इसे 2 मिनट 1 सेकंड के लिए खाली रखेंगे। कांदा हो चुका है हमारा, बस इतना ही कर रखना है हमें। अब इसमें हम डालेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हरी मिर्ची भी है, अदरक लहसुन और मैंने हरी मिर्ची 2-3 पीस इसमें डाली हूँ, तो ये सब डालेंगे। हमारे अदरक लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन जो है वो भून चुका है हमारा। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दूँ। अब मैं डालूंगी मेरे पाउडर, तो ये है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर। इसमें मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट हरी मिर्ची डाली थी अदरक लहसुन में, इसके लिए मैं खाली एक ही डालू। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसको हम सबको मिक्स करेंगे। मैं यहाँ सब मसाले मिक्स कर दियो, इसे 2 मिनट के लिए रख दूंगी, मसाले के जो है हमारे इसके कच्चापन चले जाए। मेरा जो है मसाला वो अच्छे से भुन चुका है। करूंगी 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ते के, मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी, ये भी हम कांदे में अपने पाउडर डालते हैं, जितने भी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, तो वो फ्लेम हमारा लो ही होना चाहिए। अगर हम मसाले ऐड करेंगे फास्ट गैस पे तो फौरन क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और उससे ना एक कड़ू सा टेस्ट आ जाता है हमारे, और सालन जो भी हमारा रहता है वो अच्छा नहीं बनता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लियो। अब सबको मिक्स कर देंगे। टमाटर के साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक, ताकि जो टमाटर है हमारे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। टमाटर मैंने डाल के मिक्स कर दी हूँ। अब मैं इसे लो फ्लेम पे रख दूंगी, ताकि जो टमाटर है हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं मेरे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी मोमो। मैं इसमें ऐड करी मोमो। मैंने इसमें मूंग मोट ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको सबको करूँगी मिक्स। मैंने सबको मिक्स कर दी। अब इसमें हम डालेंगे पानी, 1/2 गिलास ऑफ पानी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसे ढक के सीटी लूँगी, वो भी लो फ्लेम पे, फास्ट फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं, लो फ्लेम पे ही मैं इसे सीटी लूँगी। 15 मिनट रखूँगी मैं इसे,
15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो मोमो है वो गले या नहीं। कुकर पे लगा दियो ढक्कन, अब हम सीटी होने तक के करेंगे वेट। लो फ्लेम पे ही रखना है हमें और एक सीटी या दो सीटी होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। और मेरे जो मूंग मोट में थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके नमक ऐड कर सकते हो। तो अभी सीटी हो रही है हमारी, तो अभी हम गैस को बंद करके चेक कर लेंगे। तो अभी चेक कर रही हूँ मैं, देख सकते हो आप लोग, मैं चेक करूँगी कि ये गले या नहीं, गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और सबको मिक्स कर देंगे। इनके रेडी है हमारा मूंग मोट, देख सकते हो तैयार हो गया। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। गार्निश के लिए हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा और हरा धनिया। आप इसे रोटी के साथ खाओ या दाल चावल के साथ खाओ, ये बहुत बढ़िया लगता है, या तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हो। और जो डाइट पे है उन लोगों के लिए तो बहुत सही है। मुझे तो देख के ही भूख लग गई, तो अब मैं टेस्ट करूँगी। नाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।